योगिता रेसिपीज में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे टोमेटो राइस। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए तुरंत इसके लिए क्या क्या सामग्री लगते हैं देखते हैं। इसके लिए मैंने 3/4 कप बासमती रेगुलर राइस लिया है, कोई भी राइस ले सकते हो पुराना वाला। 2 हरी मिर्च काट के लिए, बीच में थोड़ा सा कट कर लिया है। करी पत्ते के पत्ते हैं, 1 इंच अदरक का बारीक कटा हुआ है, बारीक कटे हुए 3-4 लहसुन की कलियां हैं, 1 प्याज लिया है इसको काटना है बारीक, 2 टमाटर इसको भी हमें काट लेना है, 1 टेबलस्पून हमें किचन किंग मसाला लगेगा, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, नमक स्वादानुसार, 1/2 टीस्पून हमें हल्दी लगेगी और तेल लगेगा हमें आवश्यकता अनुसार, और 1/2 कटोरी मैंने मूंगफली के दाने लिए भून के लिए, इसको हमें क्रश करना है मिक्सर में। ज्यादा महीन पीसना नहीं है, थोड़ा दानेदार पीसना है इसको। आप कूटकर भी ले सकते हैं इसको, और पानी लगेगा। चलिए अभी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। धो के 10 मिनट बाजू में रखे थे, अभी पत्ते लचड़ा लिया है और इसमें हम लोग पानी, डबल पानी ऐड करेंगे। जितना चावल है उसका डबल पानी ऐड करते हैं। 3/4 कप चावल है तो 1.5 से 2 कप हमें पानी लेना है, और इसको उबाल आने पर हम लोग चावल ऐड करेंगे। और चावल सिंपल वाला चावल बना के लेना है, आप कुकर में भी चावल बना सकते हो। उबाल आया है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा नमक ऐड करती हूँ, नमक, और 1/2 टीस्पून में ऑयल ऐड करूंगी, और ये जो चावल है हम यहाँ पे डाल देते हैं, चावल ऐड करते हैं और उबाल आने तक उसको अच्छे से पका लेते हैं। थोड़ा सा नींबू का रस ऐड करना है, इससे क्या होता है कलर भी अच्छा आता है और चावल भी खिले खिले हो जाते हैं। चावल होने तक हम लोग बाकी की तैयारी करते हैं, चॉपिंग करते हैं प्याज और टमाटर की। इससे हम लोग, हमारे चावल पक रहे हैं, अभी गैस की फ्लेम हम लोग धीमी कर देते हैं और इसके ऊपर ढक्कन रख देना है अभी, और आराम से चावल होने देना है। 90% तक इसको पकाना है, बाकी हम लोग बाद में पूरा पकाएंगे। देखिए, वाव, अभी थोड़े से पकना बाकी है, वो हमारे बाकी के मसाले में पक जाएंगे। थोड़े से पकना, 10% बाकी है। फिर से ढक्कन रख देंगे इसमें, और अभी 2-3 मिनट और होने देंगे। पक गए, हम लोग इसको उतार लेते हैं और दूसरा पैन चढ़ा लेते हैं जिसमें हमें टोमेटो पुलाव करना है। ये पैन मैं रख देती हूँ यहाँ पे। अभी हम लोग 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे इसमें, 1 बड़ा चम्मच तेल डाला है मैंने। अभी इसमें मैं ये अदरक लहसुन चॉप किए हुए वो डाल देती हूँ। इसको थोड़ा सा जैसे भूनना है, जैसे भूनने के बाद इसमें हमें ये जो मिर्च रखी थी काट के वो डालनी है। कड़ी पत्ता डाला मैंने, इसको थोड़ा सा भून लेना है, फ्लेम को धीमी करना है, अच्छे से भून लेना है इसको। बाद में इसमें अपना प्याज कटा हुआ है वो डाल जाएगा, बारीक चॉपिंग करके दिया मैंने इसको, वो डाल देंगे। इसको सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे अच्छे से। देखिए, प्याज अच्छी तरह से लाल हुआ है, देखिए सुनहरा हुआ है। अभी इसमें हम लोग ये जो टमाटर लिए हैं मैंने बारीक कटे हुए वो डाल देते हैं, और गैस की फ्लेम को अभी मीडियम कर देना है। टमाटर डालने के बाद इसको अच्छी तरह से तेल छूटने तक इसको पकाना है। आधा टीस्पून हल्दी डाल देंगे, किचन किंग मसाला 1 टेबलस्पून लिया है वो डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर है 1 टेबलस्पून और डाल दिए मैंने, और अच्छी तरह से इसको फिर से मिला लेना है। देखिए, तो एरोमा बहुत मस्त आ रहा है इसका। अच्छी तरह से 2-3 मिनट तक इसको अच्छी तरह से भून लेना है मसाला।
देखिए अभी गैस की फ्लेम को हम लोग धीमी कर देंगे इसी स्टेज पे। मस्त टमाटर पूरा गल गया है अच्छी तरह से और मस्त सुगंध भी आ रही है मसाले की। इसमें आप पका हुआ राइस कौन सा भी रात के बचे हुए चावल भी ऐड करके बना सकते हो। मैंने अभी तुरंत बना लिए, मेरे पास चावल बचे नहीं थे और बनाए हुए भी नहीं थे, ताजा फ्रेश चावल बना लिए मैंने। देखिए हो गया। अभी मैं नमक ऐड करूंगी। हमने नमक पहले भी ऐड किया था चावल में थोड़ा सा, उसके हिसाब से आप इसमें नमक ऐड कीजिए। और ये मूंगफली के क्रश किया हुआ है वो आधी डाल देंगे इसमें। मैंने आधी कटोरी भून के लिए थे उसमें डाल देंगे पूरी और अच्छी तरह से फिर से मिला लेंगे इसको। अच्छी तरह से मिला लेना है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हम लोग इसमें चावल ऐड करेंगे। चावल इसी स्टेप पे ऐड कर रहे हैं, पूरे 90% पके हुए चावल है मैं ऐड कर रही हूँ। मिक्स करके देना है, गैस की फ्लेम को धीमी कर दी है। देखिए अच्छी तरह से मिला है, टमाटर का पूरा फ्लेवर इसमें जाएगा। जो 10% चावल पकना बाकी है वो पूरा पक जाएगा। धीरे से करना है, एक दो चावल के दाने हो जाएंगे पर। मैं ढक्कन रख देती हूँ और धीमे आंच पे 3 से 4 मिनट तक इसको होने देना है। 3 मिनट हो गए, मैं चेक करती हूँ कैसे बने। वाओ वो सुंदर कलर भी कितना सुंदर आया है, देखते चेक करते पूरा पका है। पहले ही हमारे पके हुए थे चावल, ज्यादा देर लगती नहीं है। देखिए मस्त हुए, खिले खिले सुंदर ऐसे चावल हुए, देख सकते हैं आप पूरा पक गया अभी चावल का दाना। अभी हम लोग इसको सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं, आपको मैं बताती हूँ सर्विंग करके। रेडी है, देखिए मैंने सर्विंग करके रखा है, ऊपर से मूंगफली के क्रश किया हुआ डाल दिया है। देखिए टोमेटो स्लाइस के साथ इसको परोस लिया है। आप भी बनाइए और इसका मजा चखिए।